हेलो दोस्तों, मैं हूँ रणवीर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रेल नॉलेज। दोस्तों, पश्चिमी रेलवे जोन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें जोधपुर से मुंबई रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों के संचालन को लेकर बाबत बताया है। दोस्तों, गत माह जोधपुर मारवाड़ जंक्शन के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन के पूरा होने के बाद CRS ने निरीक्षण के बाद ट्रेन संचालन के लिए फिट करार दिया है। दोस्तों, इधर मारवाड़ जंक्शन तक इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने के बाद जोधपुर मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन का संचालन का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों, पश्चिमी रेलवे के प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर GS भौरिया द्वारा निकाले गए नोट में जोधपुर मुंबई के बीच चलने वाली 11 ट्रेनों का चयन किया गया है जिनको शीघ्र ही इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित किया जाएगा। दोस्तों, जिन 11 गाड़ियों का संचालन इलेक्ट्रिक इंजन से होने के बाबत बताया गया है उनमें हैं बांद्रा जम्मू तवी, अहमदाबाद जम्मू तवी, वलसाड़ जोधपुर, बांद्रा भगत की कोठी, बांद्रा टर्मिनस हिसार, बांद्रा टर्मिनस जैसलमेर, जोधपुर बांद्रा टर्मिनस सूर्यनगरी, दादर बीकानेर, तो वहीं रणकपुर एक्सप्रेस का संचालन, दादर भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन, जिनका संचालन अहमदाबाद तक इलेक्ट्रिक इंजन से होता था, अब जल्द ही जोधपुर तक इन ट्रेनों का संचालन इलेक्ट्रिक इंजन से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।